हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच के परेशान होए जा रहे हो, जिनका इंतज़ार कर रहे हो, भले वो कॉल मैसेज ही सही, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ना लाइक कॉल मैसेज नहीं आता तो वो सब है तो हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आ सकता, बट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट, होपफुल, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल मैसेज आने लगे हैं, शुरुआत हो चुकी है। और एटलीस्ट अगर आपने थर्ड पार्टी रीडिंग देखा है तो एटलीस्ट ना मूवमेंट्स शुरू हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे ना आपको अलग से ही अचानक से कुछ दिखे ना सही, बट वहाँ पे कुछ तो बीज बोया जा रहा है। यू नो इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव थिंग्स, इट इज़ अबाउट समथिंग इट्स हैपनिंग, कहीं तो कुछ शुरुआत हो चुकी है। एनर्जीज ट्वेंटी सिक्स नंबर होस्टिलिटीज, सेवंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल, द सन, देखा ना पॉजिटिव चीज बहुत है। सो द वर्ल्ड अगेन, एंड ऑफ कार्मिक सिचुएशन एंड मैजिशियन द मिरर। सो फुल मून का इफेक्ट काफ़ी गहरा है, डेफिनेटली है, और ये बात सभी कह रहे होंगे। ऐसी 14 नंबर कैरिंग कनेक्शन, ये बात सभी कह रहे होंगे और ये सच भी है, क्योंकि यहाँ पे एंड यहाँ पे शुरुआत, ये जो अंधेरा है ना वो मिटेगा और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी इनको नहीं पता वो आपको क्यों याद करे, आपको क्यों चाहते हैं, क्योंकि अपनी सिचुएशन जब प्रॉब्लमेटिक होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच कहूँ ना, तो अगर मान लीजिए कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तब इंसान भले आपको याद ना करे, लेकिन कुछ अच्छा होता है ना वो एक पर्टिकुलर रीज़न से। मान लीजिए कि अभी इतनी सारी बुरी चीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे होस्टिलिटीज़ का ही कार्ड है, इतना इंसान क्या बोलते बेजार हो गया है कि ये नहीं तो वो प्रॉब्लम, वो नहीं तो वो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल है या रिलेशनशिप है, मतलब कैसा है कि ऑफिस में जाओ तो भी तकलीफ है, घर पर आओ तो तकलीफ है। ऐसे जब सिचुएशन से इंसान गुजरता है ना, तो वो किसी ऐसे सुकून को ढूंढता है जहाँ पर एक अलग ही इमोशनल बॉन्डिंग फील हो। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, इट इज़ अबाउट समथिंग इमोशनल कनेक्ट, सिर्फ उतना ही नहीं। तो वो जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो आपके ख्यालों से आती है, इसीलिए वो इंसान आपके बारे में सोचता है, क्योंकि एक खुशी हो जाती है, एक अलग ही है। और यहाँ पे मुझे सोल कनेक्शन, एक कैरिंग कनेक्शन, यू नो आपके कनेक्शन में एक अलग बात है, वो है कैरिंग कनेक्शंस की, एक कंसर्न, एक केयर, एक इमोशनल कनेक्ट जो आपकी तरफ से है ना, वो किसी और से नहीं मिल सकता, क्योंकि भले वो उनका सो कॉल्ड प्यार का रिलेशन हो, सो कॉल्ड शादी का रिलेशन हो, सो कॉल्ड पेरेंट्स का एक इमोशनल, तो वो प्यार अलग है, बट ये प्यार भी अलग है, ऐसी कुछ फीलिंग उनकी है। और डे बाय डे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, वो चीज़ है बहुत ज़्यादा। कार्ड्स, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई हाँ सोल कनेक्शन है वगैरह सब है, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि दिल से फील होना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे कि इनकी इसमें है। फोर ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, यहाँ पे 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दो बार आया है, द डेविल, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, द टावर। सी परफेक्ट एनर्जी है जो दोनों भी तरह से, टेन ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम डेक है जजमेंट। सो मुझे लगता है ना एक कार्मिक जस्टिस, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग, वो सारी सिचुएशन परफेक्टली मैच हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये जो ना टावर फेस कर रहे हैं, ये उनकी कार्मिक सिचुएशन में कुछ एंडिंग की तरफ इशारे कर जा, मतलब अगेन मैं बार बार वही कहती हूँ ना कि इंसान किसी चीज़ से भागता है, किसी डिसीजन से भागता है, कि इमोशन से भागता है, लेकिन वही चीज़ से सामना हो ही जाता है। तो ये कितना निभाने की कोशिश करे, कितना खुश रहने की कोशिश करे, कितना कोशिश करे आपसे दूर रहे, सब कुछ है। जगलिंग तो अभी भी शुरू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली अभी तक कुछ लोगों के केसेस में नहीं गया है, बट वहीं कहीं ना कुछ एक अवेयरनेस हो, एकदम बर्डन फील करना अपनी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, लाइक काम का प्रेशर हो, किसी इमोशनल प्रेशर हो, मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपनी दुनिया में जैसे ना उलझ के रह गए। कोशिश की एडिक्शन का सहारा ले, अभी भी चालू है, एडिक्शन का सहारा ले, एडिक्शन एडिक्टिव हैबिट हो, ऑब्सेशन हो, उसका सहारा ले कि चलो ये तो है, फील होता है, मतलब ऐसे वैसे किसी भी तरह से ट्राई करे कि चलो हमें फील नहीं हो रहा है, हमें तकलीफ़ नहीं हो रही है, हमें दुख नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि कितना भी आप भागो, सिचुएशन वैसे ही और ट्रिगर करने लगती है, क्योंकि उस चीज़ों का आप सामना नहीं कर रहे हो, आपकी कार्मिक सिचुएशंस हो या ये सब चीज़ों का ना सामना नहीं कर रहे हो। तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं यही है कि पॉसिबल है कि अगर वो मैरिड है, मैरिज के कमिटमेंट में है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो कहीं पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा, लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसके लिए शायद उन्होंने आपको नकारा था या फिर कभी डिसीजन नहीं ले पाए थे। हमेशा मतलब ऐसा दिखाया ना कि बस नीड है, बहुत ज़रूरत है, चलो अच्छा वक्त बिता लिया, उससे बाद ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी। बट यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा ना कि किस्मत या वक्त ऐसा बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं, बहुत ऐसा तमाचा मारो हो या फिर एक राह दिखा रही हो किसी भी तरह से, तो किस्मत या तकदीर बता रही है कि भाई तुम जो कर रहे हो सही नहीं था भी नहीं और अभी भी सही नहीं कर रहे हो। तो वो सारी सिचुएशन में ना कि अभी तक दो चीज़ों में जगलिंग तो है, लेकिन वक्त बदलेगा ज़रूर, और ये जो वक्त बदल रहा है वो टावर सिचुएशन की वजह से है, जहाँ पे अभी ये सिचुएशन ना, जहाँ पे जैसे मैंने रीडिंग की थी ना, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, बर्डन है बहुत ज़्यादा, लाइक हर चीज़ जैसे ना बस एक जिम्मेदारी है और अपने आप में शेल में है। हो सकता है कि लिटरली बीमार हो, और बीमार इन द सेंस कि अकेले रहना बहुत पसंद करते हो, पसंद इन द सेंस कि रहना पड़ता है, क्योंकि बात बात पे आर्ग्यूमेंट हो, बात बात पे ऐसा निग्लेक्ट किया जाए, या बात बात पे ऐसा लाइक कोई वैल्यू ही नहीं, या फिर किसी चीज़ का जैसे इनका वैल्यू नहीं है, या इनकी क्या सोच है, या इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, या फिर उनको क्या फील हो रहा है, ये बात का जैसे वैल्यू ही नहीं है, या कोई किसी को पढ़ा ही नहीं है, बस इनको क्या करना है इस बात का क्लैरिटी है, इनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। तो वो चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में, तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी ये सब चीज़ से निकलना है, कैसे हो जाए पता नहीं, और इनको पता नहीं है कि यहाँ इस चीज़ से मैं निकलना भी जा सकता है, कोई चीज़ का सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ये अपने आप को पेशेंस रखे हुए है भाई, ये सब जो है ना मेरे ही कर्मों का फल है, जो मैंने किया है ना वही अभी गलती मैंने की है, तो भुगतना मुझे पड़ रहा था, अच्छा खासा इंसान मुझे नसीब ने दिया था, लेकिन मैं ही उसे समझ नहीं पाया और समझा नहीं पाया, और मैंने ही सब ख़राब कर दिया, अभी वही सारी चीज़ें हो रही है, वही सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो दे आर मिसिंग द केयरिंग कनेक्शन विथ यू बहुत ज़्यादा। देखते हैं इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। रेस्ट एंड रिजनेशन, ये अगेन वही आ रही है, फोर ऑफ कप्स की, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, दो कार्ड, थ्रीम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, थ्री नंबर फर्टिलिटी, और पैशन इग्नाइटेड। और यहाँ पे है अगेन फोर ऑफ वैंड से, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे अगेन स्टार्ट स्टॉप हुई है। तो फोर नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, वो दिख रहा है मुझे फोर नंबर, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ वैंड, फोर रेस्ट एंड रिजनेट। तो मुझे लग रहा है कि हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं इनडायरेक्टली से, और ये आपके साथ
मिलना ज़रूर चाहेंगे. और अगेन 7 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, और 7 डेज़ की एनर्जी बहुत फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, उससे भी जल्दी हो सकता है. एंड फर्टिलिटी, यू नो, पैशन इग्नाइटेड, बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे आपका मैनिफेस्टेशन है इनडायरेक्टली से, क्योंकि इंसान अपनी खुशियाँ, अपनी सोल हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है, इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहता है, ये अपनी खुद की विश या अपनी खुद की खुशी ढूंढ रहा है, इन सोल हैप्पीनेस ना उसे ढूंढ रहा है, और वही चीज़ वो आप में ढूंढ रहा है. तो आपकी याद इसलिए है, और मुझे अभी इस बात का पता कैसे चला कि ये आपको याद कर रहा है. आपको वैसे सिग्नल्स मिलेंगे, आपको एंजल्स की तरफ से वहाँ दिखेगा कि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी, ये सिर्फ आसपास की इस एनर्जी का होना आपको समझ में आता है कि वो कौन है, कौन सा इंसान है, उसका नाम दिख रहा है, वो उसके जैसा पर्सन दिख रहा है, या समथिंग ऐसा कुछ जो लिटरली, और मुझे ना लिटरली अब फील हो रहा है कि आपको नाम दिखता है उस इंसान का कहीं ना कहीं, कुछ ना ऐसे इंडिकेशंस है जहाँ पे एग्जैक्टली बता सकते, आप खुद समझ सकते हैं कि वो एनर्जी इसी इंसान की है लिटरली. गॉड रह गया था एट ऑफ वैंड्स. तो कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, लिटरली ट्रैवल की एनर्जी है, हो सकता है कि ट्रैवल करते हो, कर रहे हो या कुछ भी, उसकी वजह से समाओ मिलना नहीं हो पा रहा है, बट समाओ ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब मूवमेंट शुरू हुए हैं और कुछ लोगों के केसेस में वो मूवमेंट एकदम फास्ट होंगे. आपके लिए एडवाइस, यस. सो मैंने कहा ना कि मुझे गारंटी है कि ये जो है ना पॉजिटिविटी आकर रहेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल ही जाएगी, एक वक्त दे दिए, वक्त दीजिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए. और यहाँ पे है पावर एंड इंटेंशन. तो आपकी पावर, आपकी ताकत आपके प्यार में है, और जो आपके इंटेंशन है सही है, और वही चीज़ जो आपके लिए जो सही थी ना, आपके लिए कितनी ऐसा हो गया ना, आपके साथ जो अन्याय हुआ वो समझ में आया कि यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, इस इंसान ने क्यों किया. हर चीज़ जो आपकी जो प्योर इंटेंशन है ना, कि सच्ची भावना है, उसकी जीत होगी. यस, दे आर गोइंग टू कम बैक, दे आर गोइंग टू कॉल एंड टेक्स्ट, उनकी तरफ से मूवमेंट होगा ज़रूर. ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.